टेबल पे जाके मैंने ऐड न्यू टेबल करा, ठीक है। टेबल का जो हमने यहाँ पे नाम रखा है वो क्या रखा है, डॉक्टर साइन अप डॉक्टर, ठीक है। आईडी है मेरे पास यहाँ पे, और ये मेरे पास है डॉक्टर आईडी, ठीक है। ये भी मेरे पास क्या होगी, इंटीजर होगी, लेकिन मेरे पास क्या होना चाहिए, ये फॉरेन की है, ठीक है। अभी इसको हम इसकी फॉरेन की ऐड करते हैं, और इसका जो भी हमारे पास है यूजर नेम होगा इसका, ठीक है, जो कि मेरे पास होगा वारचार, ठीक है। और इसी तरीके से इसका पासवर्ड होगा जो कि मेरे पास होगा वारचार, ठीक है। फॉरेन की यहाँ पे मैंने क्लिक करा, राइट क्लिक, ऐड न्यू फॉरेन की। फॉरेन की जो है वो हमारी क्या चीज़ है, डॉक्टर आईडी, टेबल है डॉक्टर का, और कॉलम है उसकी आईडी, सही है। यूजर नेम अब मैं कह सकती हूँ कि भाई ये यूजर नेम जो है वो किसी और का नहीं होना चाहिए, तो ये यूजर नेम किसी और का ना, इसको अगर यूनिक करना है तो आप इसको यूनिक कर सकते हो। वैसे प्राइमरी की जो है वो आपकी ये वाली ऊपर वाली आईडी लगी हुई है, लेकिन अगर आप इसको नहीं देना चाहते, ठीक है, तो ना दो, ठीक है। डॉक्टर आईडी यहाँ पे गिवन है, सही है। इस आईडी से लॉगिन होना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर आईडी से भी लॉगिन करवा सकते हो। आईडी से लॉगिन करवा दूँ क्या, ठीक है, तो आईडी से भी लॉगिन हो जाएगा। यूज़र नेम में या आईडी अगर आपने ये देना है तो आप इससे भी लॉगिन कर सकते हो। वैसे यूज़र नेम और पासवर्ड जो होगा आप उससे होगा। इस चीज़ को मैं यूनिक इसलिए कर रही हूँ कि किसी और का ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यूरी लिख दी मैंने यूनिक, ठीक है। यूजर नेम डॉक्टर का यही रहना चाहिए, और ये किस डॉक्टर की जो भी आईडी है वो आपकी यहाँ से ही उठेगी, और ये आईडी आपकी जैसे ही जो है वो ये सेशन में पिक होगी ताकि उस पर्टिकुलर का डाटा उठ कर आ जाए, इसलिए हमने यहाँ पे फॉरेन की के तौर पे लगाया, सही है। ये करने के बाद मैंने इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। ये यूजर नेम जो है वो हमारे पास वही रहेगा। अपडेट डेटाबेस मैंने करा, डेटाबेस मेरे पास जैसे ही अपडेट होगा, ठीक है, यहाँ मैं रिफ्रेश करूंगी, मेरे पास यहाँ टेबल आ जाएगा डॉक्टर साइन अप का, आ गया मेरे पास टेबल। अब आप यहाँ पे आ जाओगे, मॉडल का फोल्डर ढूंढो, मॉडल के फोल्डर के अंदर जाओगे, मॉडल ओपन करोगे, सही है, और यहाँ पे राइट क्लिक करा और अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस। टेबल अभी जो हमने ऐड किया वो ये रहा, और इसको मैंने कर दिया यहाँ से फिनिश। सही है, ये आ गया यहाँ पे, सही है। सेव करा, बिल्ड करा, बिल्ड करना है अब इसको, पहले ये सेव हो जाए। रीबिल्ड सॉल्यूशन किया, सही है। बिल्ड पे जाके रीबिल्ड करा एक दफा हमने, तो हमारे पास ये रीबिल्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पे मैं आ रही हूँ इसके कंट्रोलर पे, राइट क्लिक करा मैंने, ऐड पे गई मैं, कंट्रोलर पे मैंने क्लिक करा, यही थर्ड वन सेलेक्ट किया, ऐड करा, और अब मैं जो बना रही हूँ यही बना रही हूँ डॉक्टर साइनअप का, ठीक है। और ये डॉक्टर साइनअप है शेयर्ड एडमिन पैनल में ही अभी फिलहाल जा रहा है, बाद में इसको चीज़ें हम सेट करेंगे, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से क्या कर दिया है, ऐड कर दिया, ठीक है, ये ऐड हो चुका है। इसके बाद मुझे करना ये है कि जो मेरा लेआउट है, एडमिन लेआउट, इसको ओपन करा मैंने,
इसके अंदर मेरे पास जो चीजें कम थी ठीक है वो मेरे पास क्या है, ये प्रोफाइल और ये आ रहा है डॉक्टर। कॉपी करा इस डॉक्टर को, इसी के नीचे यहाँ पे ले जाके पेस्ट करा। ठीक है, अब ये है डॉक्टर, सेव करा और अब इसको चला रही हूँ। सही है, एडमिन एडमिन। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है ये डॉक्टर साइनअप। डॉक्टर साइनअप पे जब मैं आऊंगी और क्रिएट न्यू पे जाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे डॉक्टर्स के नाम आ रहे होंगे। ठीक है, जिनका भी आपको अकाउंट क्रिएट करना है। ये पर्टिकुलर मैंने आई थिंक सो इसको ऑटो इंक्रीमेंट नहीं दिया है। सही है, एक मिनट, अगर नहीं दिया है तो मुझे देना पड़ेगा। बिन टेबल डेफिनेशन नहीं दिया, आइडेंटिटी अपडेट अपडेट करा इसको, इस पहले मॉडल को डिलीट करूंगी मैं। ठीक है, फिर ऐड करूंगी। ताकि अपडेटेड आए। सही है, यहां से डिलीट करा क्योंकि दोबारा सेट कराना है। ठीक है, डॉक्टर साइनअप, यहां से मैंने इसको डिलीट करा क्योंकि आइडेंटिटी मैंने इस पे लगाई है, तो बिल्ड करने के बाद दोबारा ऐड करा दूंगी मैं। वापिस आए कंट्रोलर पे, कंट्रोलर एड साइन अप। ठीक है, ऐड करा दिया, अब रन करके दिखाती हूँ। हमारे पास रन हो रहा है। ठीक है, सब कुछ सेट हो चुका है। एडमिन पैनल, डॉक्टर साइन अप, क्रिएट न्यू। सही है, अब आईडी ऊपर नहीं आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि हमें देनी नहीं है। और ठीक है, यहाँ आप यूजर नाम रख सकते हो। ठीक है, डॉक्टर अंडरस्कोर जो भी आपको यहाँ पे रखना है, डॉक्टर अली। ठीक है, ये हमने एक नाम रख दिया। पासवर्ड की जो फील्ड है अभी इसमें नजर आ रहा है। ठीक है, आप इसको हाइड करोगे, इसके लेआउट से ही हाइड करोगे और इसको यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास यूजर नेम, अब ये आ गया। सही है, और ये एक आपके पास जो है वो नॉर्मली जो है वो नेम है, जो कि आईडी है, उस आईडी का यहाँ पे नाम है। बैक पे ये पिक तो आपके पास वही करेगा। सही है, ये डॉक्टर नेम है, इसकी डिटेल भी आप कर सकते हो। अब मैं ये कह रही थी कि मुझे जो है वो इसका क्या बनाना है, लॉगिन बना रहा है। ठीक है ना, इसी तरह जैसे ये पैनल है ना, इसी तरह मुझे बनाना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि मैंने एक डॉक्टर का तो यहाँ पे ये बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं दूसरे वाले डॉक्टर का भी साइनअप बनाना चाहती हूँ, ये एक डॉक्टर हो गया, दूसरा डॉक्टर जो है वो हमारे पास यहाँ पे है ये। सही है,
ठीक है, दो दो डॉक्टर की यहाँ पे यूजर नेम और आईडीज मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, सही है। इससे मुझे जो है वो क्या करना है, लॉग इन करना है, ठीक है। तो जिस तरह आपके पास यहाँ पे लॉग इन का मौजूद है, हमारे पास एडमिन पैनल का इंडेक्स है, ये जो भी हमारे पास गिवन है, आप ये देखो एडमिन का जो मेरे पास इंडेक्स है, ये मेरा जो है वो क्या चीज़ है, ठीक है, यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे ये गिवन है, सही है। इसके अंदर हमारे पास ये डॉक्टर एडमिन पैनल आ रहा है, यानी ये वाला पैनल आ रहा है, एडमिन पैनल साइनिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूँगी कि डॉक्टर पैनल लगाना है, ठीक है, मुझे ये एडमिन पैनल आ रहा है, इसी तरह डॉक्टर पैनल, वरना अगर मैं सिंपल यहाँ पे इसको इस तरह करूँ ना बेटा डॉक्टर, तो ये आपका ये वाला खोलता है, इसको भी रोकना है, सही है, ये खुलना नहीं चाहिए डायरेक्टली, बात समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक कंट्रोलर की ज़रूरत है, जो कि मेरे पास जो है एडमिन है, और एडमिन के बाद अगर मैं यहाँ इंडेक्स के बजाय यहाँ लगा दूँ मैं डॉक्टर, कौन सा, तो इस पेज के ऊपर मेरे पास जो है वो उसका पैनल आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ये लगाती हूँ, ये देखो, तो ये आता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इसके आगे डॉक्टर लगाऊँ तो मेरे पास डॉक्टर पैनल साइनिंग आना चाहिए, सही है। अनदर कंट्रोलर नहीं बनाना चाह रही मैं, इसी में मेथड बनाना चाह रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा कि जो मेरा एडमिन कंट्रोलर है ना, इसको खोल लिया। यहाँ आपके पास सिर्फ इंडेक्स और ये डैशबोर्ड बना हुआ है, ठीक है। तो जिस तरह आपका इंडेक्स बना हुआ है ना, ये रहा, ये पूरा आपने इस तरह यहाँ पे कॉपी करा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे इधर डैशबोर्ड के यहाँ पे इस तरह मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट करा, ठीक है। अब ये जो डैशबोर्ड है मेरे पास अलग होगा, इसी तरह एक डैशबोर्ड ये रहा और एक और डैशबोर्ड हमारे पास नीचे, एक नॉर्मल डैशबोर्ड है और एक मेरे पास क्या है, डॉक्टर डैशबोर्ड है, ठीक है। इंडेक्स को मैं यहाँ पे कर रही हूँ डॉक्टर, और इसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया है डॉक्टर, सही है। अब ये जो मेरे पास है एडमिन, एडमिन आ रहा है, ये डेटाबेस से आएगा, खैर ये डेटाबेस से आएगा, यहाँ मैं डेटाबेस की क्यूरी लगाऊंगी, समझ में आ रही है बात। और ये डॉक्टर डैशबोर्ड पे जाएगा, यानी ये जो जाएगा कहाँ जाएगा, हमारे पास डॉक्टर डैशबोर्ड, ये हमें बनाना पड़ेगा। सही है, इस तरह। अच्छा, इसको अभी हम यहाँ पे सेट कर दें। इसका जो है वो हमारे पास पेज जो है वो किस तरह बनेगा, राइट क्लिक करा मैंने, ठीक है, ऐड व्यू, कोई लेआउट यूज़ नहीं करना है इसका, सिर्फ इसको एम्प्टी करके मैंने ऐड कराया है, सही है। ये आ गया मेरे पास, ये जो मेरे पास इंडेक्स बना हुआ था, सही है, इस पूरे को मैंने उठाया, जो एडमिन पैनल था किसका, लॉगिन वाला, इस पूरे को उठाया मैंने यहाँ पे डॉक्टर के इधर वाले पे, मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर लिया, ठीक है। लेआउट इसमें कुछ भी नहीं है, सही है, एडमिन पैनल है ये, इसको मैंने कर दिया है डॉक्टर एडमिन पैनल, सही है। नीचे जो हेडिंग होगी उसमें भी मेरे पास क्या आ रहा होगा, डॉक्टर एडमिन पैनल साइनिंग, उसका यूजर नेम और उसका पासवर्ड आ रहा होगा, ठीक है, रिमेम्बर मी, और ये साइनिंग आ रहा है, सही है। अब ये सबमिट कहाँ पे जाके हो रहा है ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो फॉर्म है हमारे पास, ठीक है। तो जो हमारे पास फॉर्म है वो हमारे पास जो सबमिट होगा, ठीक है, ये रहा मेथड पोस्ट है, जैसे बात है डॉक्टर का है, तो बाय डिफॉल्ट जब ये होगा तो आपके पास ये इसी में आएगा, यहीं पे वैल्यू लेके आ रहा होगा यूजर नेम और पासवर्ड की, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड तो आपका उठकर आएगा, ठीक है। लेकिन ये यूजर नेम मैंने यूनिक रखा है, तो इससे हम आईडी को गेट कर सकते हैं कि किस डॉक्टर की पर्टिकुलर आईडी का है, सही है, यूजर नेम से गेट कर सकते हैं। अब यूजर नेम से गेट करने के लिए देखो, डॉक्टर की जो हमारे पास है ना, ये एक तो पहली बात है कि डेटाबेस की एंटिटीज यहाँ पे हमारे पास ऐड होगी ऊपर इधर, ताकि हम डेटाबेस के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें, ठीक है। इसके लिए आपके पास देखो ऐड क्या कराना होगा, मॉडल ऐड कराना होगा, यूजिंग करके मैंने यहाँ पे इसको
क्यूरी लिखनी है डॉक्टर की, इसमें सबसे पहली बात है कि जो भी यूजर नेम और पासवर्ड है तो आप यहाँ पे लिखोगे वेरिएबल लॉग इन डेटा। अब लॉग इन डेटा के अंदर अब मैं यहाँ लिख रही हूँ फ्रॉम डी एन डी बी डॉट डॉक्टर साइन अप, सही है, वेयर डी डॉट यूजर नेम इस इक्वल्स टू किसके बराबर है, जो ऊपर यूजर नेम आपने एंटर करा है वो, ठीक है, सिलेक्ट डी, ये अब डाटा लेके आएगा उस पर्टिकुलर यूजर नेम का, सही है, जो कि आपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एंटर किया है। अब बाकी चीजें जो है वो हमारे पास यहाँ पे मैच होंगी, इफ यूजर नेम, ठीक है, किसके बराबर है लॉगिन डेटा डॉट फर्स्ट डॉट यूजर नेम के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से पासवर्ड किसके बराबर होना चाहिए आपके पास, लॉगिन डेटा डॉट फर्स्ट डॉट पासवर्ड। तो आप डॉक्टर एडमिन पे जाओगे, लेकिन आपने एक चीज ऐड करानी है, वो हमने ऐड करानी है सेशन के अंदर, यहां बनेंगे आपके पास सेशन, और वो सेशन है हमारे पास डॉक्टर आईडी। ठीक है, ये हमारे पास बराबर होगा लॉगिन डेटा डॉट फर्स्ट डॉट डॉक्टर आईडी, सही है, इस टेबल की जो भी डॉक्टर आईडी है उसकी ये बराबर होगा और ये सेशन आईडी यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, इस पे मैं यहाँ लिख दे रही हूँ एडमिन डॉक्टर आईडी इस तरह, सही है, ये मेरे पास सेशन में जब ये पिक हो जाएगी, सही है, तब ये उसी पर्टिकुलर उसका जो है वो ना डाटा उठाकर दिखाएगा, वो डॉक्टर डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे जो है वो आपके पास पर्टिकुलर डाटा जाएगा, जो कि उसका डिस्प्ले में हम जो है वो लेके आएंगे, यानी उसकी जो प्रोफाइल जा रही होगी, यानी जो व्यू होता है, ठीक है, वो किस तरह व्यू होता है, अगर आप यहाँ पे देखो तो डॉक्टर का जो भी आप लेके जा रहे होते हो इंडेक्स के ऊपर आपके पास ये इस तरह आ रहा होता है ना, लिस्ट आ रही होती है, ठीक है ना। इसका जो आपके पास पेज बनेगा इस वाले का डॉक्टर डैशबोर्ड का, इसमें मैं राइट क्लिक करूंगी, ऐड व्यू कराऊंगी, ये जो है वो मेरे पास रहेगा कि इधर जो है वो मेरे पास लिस्ट आ रही है, नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये प्रोफाइल नजर आनी चाहिए जो भी आपके पास है, तो प्रोफाइल यहाँ पे जो भी मेरे पास आएगी यहाँ पे होगी मेरे पास डॉक्टर साइन अप या डॉक्टर की, उस पर्टिकुलर डॉक्टर की होगी, ठीक है, साइन अप का भी अगर दिखाना चाहेंगे तो हम साइन अप का भी इसमें लगा देंगे, लेकिन पर्टिकुलर डॉक्टर का है। यूजर लेआउट अगर मैं यूज कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे लेआउट यूज करूंगी एडमिन लेआउट पेज का, ये यूज करना चाहो ये यूज कर लो, नहीं तो नया भी बना सकते हो, ठीक है, तो हम नया नहीं बनाएंगे, हम इसी में बनाएंगे और इसके अंदर हम जो है वो चीज़ों को मॉडिफाई करूंगी मैं अभी सेशन लगा के, कि जो है ना अगर ये वाला मतलब अगर आप डॉक्टर से अगर लॉग इन होते हैं तो हमारे पास जो साइट पे नेविगेशन बार आ रहा है ना वो हमारे पास चेंज होता है, समझ में आई बात, वो चेंज करा, नहीं तो अगर आप नया टेम्पलेट बनाना चाहते हो तो नया टेम्पलेट बना लो, सही है, आपकी अपनी मर्जी है, नया बना दूँ या इसी में ही कर दूँ। इसी में कर दूँ, ठीक है, अभी फिलहाल मैंने इस वाले को सेलेक्ट कर लिया है एडमिन लेआउट को और इसको कर दिया मैंने ओके, और इस वाले को मैंने करा है ऐड, ये रहा, अब इसमें जो पर्टिकुलर डॉक्टर का डाटा जाएगा ना वो मैं बता रही हूँ,
from D in db dot doctor where D dot doctor ID is equals to ID integer ID integer dot parse ID select D और session जो है वो ये रहा पहले ये मैं दिखा देती हूँ साइड वाले बटन सभी सारे ही आ रहे होंगे ठीक है लेकिन ये लॉगिन हो रहा होगा ये एडमिन पैनल है और ये डॉक्टर वाला है ठीक है इसमें जो हमने यहाँ पे इसका साइन अप बनाया था ठीक है वो ये रहा मॉडल में ये कह रहा है ज्यादा आया है जब इंस्टॉल करते हो तो तुमने डाला नहीं उसमें ऑप्शन नहीं आता तुम्हारे सिस्टम के नेम से होगा अगर तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा ना तो तुम्हारा जो सिस्टम का नेम है ठीक है उसी से होगा तो यूजर नेम होता है ना तुम्हारा नेट से डाउनलोड करते हैं ना तो मसला नहीं होता आपका इसी डाउनलोड
क्या आता है? ब्राउज़ फ्रॉम फॉर मोर। नहीं, तुम्हारा कंप्यूटर का नाम आना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी इंस्टॉलेशन सही नहीं हुई है। तो डॉट करके लगा के देखा था तुमने, एस ए और एपटेक हो जाता है भाई। देखो ये आ रहा है डॉक्टर का नाम, डॉक्टर का नाम और ये चीजें आ रही हैं। ये अच्छा, अगर आपने एडिट करनी है तो ये एडिट हो सकती है, यहाँ से आप चेंज करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। सही है, ये अपडेट हो जाएगी, यहाँ पे सेव करोगे ये अपडेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एडिट वाला टेम्पलेट रखा है, लेकिन यहाँ पे ये चीजें ना आपकी चेंज होंगी, यानी ये आपका डॉक्टर डैशबोर्ड है, लेकिन आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है, और इधर की ये चीज़ें साइड की चेंज होंगी, इफ़ और ऐसी कंडीशन लग जाएगी कि अगर आप पर्टिकुलर सेशन से हुए हो, डॉक्टर के उससे हुए हो, और डॉक्टर सेशन आईडी अगर गिवन है, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ है ना आपके पर्टिकुलर अपॉइंटमेंट वहाँ होंगे, तो इसके पेज अपने अलग बनेंगे। ठीक है, नहीं तो आप लेआउट सेपरेटली अलग ही कर लो, कोई मसला नहीं है। तो ये मतलब वो पूरा ये वाला साइड वाला पूरा टेम्पलेट कॉपी होगा और दो बटन लगा दोगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह।